हेलो एवरीवन, आज देखिए हम ये पत्ता से दाल बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी है ये, इसे घोरबाजी कहते हैं। इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप जान सके वो क्या पत्ता है। मैंने थोड़ा सा तूर दाल लिया है एंड इसमें मैं मूंग दाल ऐड कर रही हूँ। देखिए, एक कप थोड़ा सा तूर दाल एंड ज़्यादा मूंग दाल। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने 10-15 मिनट्स भिगा के रखा है। ये देखिए, अभी हम इसे कुकर में डाल देंगे एंड पत्ता को भी छोटा छोटा पीस करके, एक टमाटर लिया है एंड एक छोटा मीडियम ऑनियन, ये सब मैंने पीसेस करके सब कुछ कुकर में दाल के साथ ऐड कर दिया है। ग्रीन चिली, टर्मरिक, हल्दी, जीरा, सॉल्ट सभी मैंने एक साथ मिक्स करके डाल दिया है। ये पत्ते में हल्का सा खट्टापन होता है, इसलिए मैंने इसमें टैमरिन ऐड नहीं किया। एक छोटा मीडियम साइज़ टोमेटो डाली हूँ। देखिए, सब ऐसे ऐड कर दीजिए एंड एक कप, एक बड़ा बाउल पानी, पत्ता डूबे इतना पानी डाले उसमें। ये सॉल्ट, ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है, ये बहुत टेस्टी है। नॉर्मल सॉल्ट से अगर आप ये सॉल्ट यूज़ करोगे तो इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप ट्राई करके ज़रूर देखिए, आप नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हो। देखिए, पत्ता डिप हुए इतना पानी डालिए एंड हमने कुकर लगा दिया है 4 to 5 विजिल। अगर आप दाल थोड़ा ज़्यादा टाइम भिगा के रखा है तो 3 विजिल या 2 विजिल में भी हो जाएगा। अगर दाल नहीं भिगाया, 4 to 5 विजिल। ये देखिए, सब बन के रेडी दाल। एक बार आप इसका स्पाइस एंड सॉल्ट चेक कर लीजिए यहाँ पे। अभी हम इसे तड़का दे देंगे। 1 टीस्पून मैंने घी लिया है एंड 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। अभी इसमें हम मस्टर्ड सीड्स, राई, जीरा, गार्लिक, देखिए 5 to 6 क्रश करके डालिए आप गार्लिक, तब जाके उसका टेस्ट आपको और अच्छा होगा। एंड 2 रेड चिली, उसको स्प्लिट करके तोड़ के डालिए। एंड हिंग कंपलसरी है। आपको चटनीज बनाओ, दाल बनाओ, आप हिंग ऐड करोगे तो ही उसका टेस्ट आपको और ज़्यादा होगा। एंड डाइजेशन के लिए भी हिंग बहुत अच्छा है, ज़रूर हिंग डालिए। हिंग स्किप करने से आपको टेस्ट डिफरेंट होगा, इसलिए हिंग कंपलसरी। अभी हम दाल डाल दिए, देखें झटपट एकदम दाल रेडी, सुपर टेस्टी। अब ज़रूर ट्राई करें ये पत्ता से, इसे घोर भाजी कहते हैं ये पत्ते को। हमारा दाल रेडी हो गया है। अभी हम चटनी देखेंगे, स्नेक गार्ड की चटनी, इसे चिचिंडा भी कहते हैं। इसका हम स्किन निकालेंगे, जैसे पोटैटो निकालते हैं उस तरह नहीं, जस्ट हम ऊपर से स्पून से या नाइफ से जस्ट ऐसे उसे स्क्रैप करिए तो उसका ऊपर का हल्का सा स्किन निकल जाएगा। अच्छे से धो ले, धोने के बाद उसके अंदर जो सीड होते हैं उसे निकाल लीजिए। एक एक बार एकदम जस्ट छोटे छोटे होते हैं उसे आप ना निकाले भी नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बार बड़े सीड होते हैं उसे आपको निकाल लेनी है। जस्ट ऐसे आप फिंगर के थ्रू निकाल सकते हैं, इसे ऐसे निकाल लीजिए इसे। एंड आपको इसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में काटने हैं, छोटे छोटे पीसेस काटने हैं आपको। देखिए इस तरह एकदम छोटे पीसेस में काट ले। एंड आप एक पैन में थोड़ा सा नमक डाल के स्लो फ्लेम में इसे ढक के पकाए। थोड़ा सा सॉल्ट डालिए, ज़्यादा नहीं तो पूरा सॉल्ट पीसेस को पकड़ के आपको सॉल्टी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा डालिए ताकि वो पानी छोड़े। एंड स्लो आँच में, स्लो फ्लेम में इसे ढक के आप पकाए ताकि वो पानी निकले उसमें से। ज़्यादा देर पकने की ज़रूरत नहीं है, ये झटपट 1-2 मिनट्स में पक जाता है। ये देखिए, मैं चटनी के लिए क्या ली हूँ, स्पाइस ग्रीन चिली, छोटा पीस टर्मरिक, जीरा एंड गार्लिक। मैं थोड़ा सा ग्रीन चिली फ्राई करके निकाल ली हूँ। ये देखिए, हमने अभी इसे ब्लेंड कर देंगे। आपको ये थोड़ा ठंडा होने के बाद, देखिए इस तरह पानी आपको निकाल लेनी है दबा के उसे।
अच्छे से दबा ले, उसका पानी निकाल दे। थोड़ा बहुत हल्का सा बच गया पानी, नो प्रॉब्लम। हमने वो ब्लेंड कर दिया है चटनी के लिए, उसे हमें पीसेस में ऐड करके मिक्स कर दिया है। अभी आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लीजिए, हमने पीसेस में थोड़ा सा सॉल्ट डाले थे, वो देख के आप सॉल्ट ऐड कीजिए। स्पाइस ग्रीन चिली भी आप अपने स्पाइस के हिसाब से लीजिए। एंड इसमें अभी हम कर्ड मिक्स करेंगे। देखिए किस तरह मिक्स करना है, एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। मैंने जितना स्नेक गार्ड या चिचिंडा लिया है उसके मैंने 3 स्पून से ऐड किया है, ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है दही। देखिए वीडियो में जिस तरह है उसी तरह ऐड करना है, एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह ऐड करें, मैंने 3 स्पून लिए हैं। अभी इससे हम तड़का देंगे। 1 टेबल स्पून, 1 to 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। इसमें मस्टर्ड सीड्स, जीरा, करी लीफ, रेड चिली एंड हींग। हींग कंपलसरी है, तभी जाके आपको टेस्ट मिलेगा एंड डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। हींग स्किप ना करें, ज़रूर डालें हींग। अभी इसे हम चटनी में मिक्स कर लेंगे एंड थोड़ा सा हल्दी डालें इसमें। इसे अभी हम चटनी में मिक्स कर लेंगे। यम्मी चटनी रेडी। इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको दिखने में दही मिक्स किया हुआ आप सोच रहे होंगे कैसा होगा, लेकिन ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही टेस्टी यम्मी चटनी है, आप एक बार बनाओगे तो नहीं छोड़ोगे। ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको। थैंक यू।